वेलकम टू माई चैनल केमिस्ट्री बाय अभिषेक महाजन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर थ्री क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज इसमें सबसे पहले हम टेबल क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं द पीरियोडिक टेबल इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स विच आर ऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन एंड रिकरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पीरियोडिक टेबल क्या है एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें केमिकल एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया जाता है उनके एटॉमिक नंबर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होती है उनके हिसाब से अरेंज किया जाता है एलिमेंट्स आर प्रेजेंटेड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर वहाँ एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से लगाया जाता है यानी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है टेबल की कंसिस्ट ऑफ ग्रेड विद रोज़ रोज़ और कॉलम्स होते हैं उसमें रोज़ को हम पीरियड्स बोलते हैं और जो कॉलम्स हैं उन्हें हम ग्रुप हैं। उसके बाद सबसे पहला हमारा ये क्वेश्चन आता है कि वाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स कि हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की क्योंकि आपको पता है कि टेबल में जो है दिन प्रतिदिन एलिमेंट्स जो थे वो बढ़ते गए अब ये मुश्किल हो गया कि उनके बिहेवियर और उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उन्हें कैसे स्टडी किया जाए तो इसके लिए इम्पोर्टेंस पड़ गई ये इम्पॉर्टेंस पड़ गई कि एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से क्लासिफाई किया जाए उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से क्लासिफाई करने के लिए उन्हें एक टेबल बना दिया गया जिसमें ग्रुप्स और पीरियड बना दिए गए जिसमें जो ग्रुप्स थे उनमें जो एक जैसी प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स थे उनको रख दिया गया और उन्हें अलग अलग ग्रुप में नाम दे दिए ताकि जब उनकी प्रॉपर्टी को स्टडी किए जाए तो उनके बिहेवियर और प्रॉपर्टी का जिनकी सिमिलर हैं उनका ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सके उसके बाद सबसे पहला काम यहाँ आता है कि जेनेसिस ऑफ प्रोर्टी क्लासिफिकेशन जो प्रोर्टी की क्लासिफिकेशन हुई वो कैसे कैसे हुई किस तरह से स्टार्ट हुई उसके बारे में हम पहले स्टडी करेंगे सबसे पहले इसमें आया डोबराइनर्स थ्योरी ऑफ ट्राइड्स डोबराइनर एक साइंटिस्ट था जिसने अपनी थ्योरी दी उसमें उसने तीन तीन एलिमेंट को स्टडी किया था डोबराइनर ने क्या किया जो अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर एटॉमिक मासेस उसने जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से और उसने क्या किया कि ही फाउंड दैट द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट उसने जो तीन तीन एलिमेंट स्टडी किए उसमें से उसने स्टडी किया कि जो तीन एलिमेंट्स का क्योंकि ट्राइड तभी नाम पड़ा था ताकि क्योंकि उसने तीन एलिमेंट्स को स्टडी किया था अब वो तीन एलिमेंट्स में जो मिडिल एलिमेंट्स था उसने बोला जो एटॉमिक मास होता है मिडिल एलिमेंट का वो किसके बराबर होता है जो एक्सट्रीम एलिमेंट्स सबसे हो गया उसके जो साइड में दो एलिमेंट्स हैं इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट्स बीच वाले को छोड़ के जो साइड में दो एलिमेंट है अगर हम उसका मीन निकालें उसके मास का मीन निकालें तो वो जो मिडिल एलिमेंट है उसके मीन उसके मास के बराबर होता है ये उसने बोला इसको हम कुछ एक एग्जांपल से देखते हैं आप यहाँ देख सकते हो आपको एक टेबल दिख रहा है जिसमें लिखा है ट्राइड एटॉमिक मास ट्राइड एटॉमिक मास नीचे भी है और ट्राइड मतलब तीन यहाँ ग्रुप बता रखे हैं फर्स्ट में हमने उठाया है लिथियम सोडियम और पोटाशियम को आप देख सकते हो लिथियम का मास होता है सेवन सोडियम का ट्वेंटी थ्री और पोटाशियम का थर्टी नाइन अब अगर हम अकॉर्डिंग टू जो डबराइड ट्राइड था उसके चलें तो उसने बोला था जो साइड के दोली मिडल को छोड़ दें मिडल यहाँ सोडियम है जिसका एटॉमिक जिसका मास ट्वेंटी थ्री है साइड के देखें तो लिथियम और पोटाशियम आ रहा है देखो अब इसका मीन निकाल लेते हैं अगर मीन निकालें तो थर्टी नाइन प्लस सेवन अपॉइंट टू आता है हमारे पास थर्टी नाइन सेवन हो गए फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स अपॉइंट ट्वेंटी थ्री देख सकते हो आप ट्वेंटी थ्री जो मिडल एलिमेंट है उसके मास के बराबर है एक और पेयर क्लोरिन ब्रामिन और आयोडिन का क्लोरिन का तो आपको होता है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव होता है ब्रामिन एट्टी और आयोडिन का वन ट्वेंटी सेवन यहाँ भी देख सकते हो आप जो साइड के एलिमेंट है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव और वन ट्वेंटी सेवन उसका मीन निकाल दो एट्टी वन पॉइंट टू फाइव अब ये आपने समझ लेना है कि मतलब एक्चुअल वैल्यू नहीं जो मिडल एलिमेंट का काटोमिक मास है जरूरी नहीं कि उसकी एक्चुअल वैल्यू है उसके आसपास की वैल्यू भी आ सकती है ठीक है ना एक प्योर और है कैल्शियम टॉनशियम और बेरियम का कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 टॉनशियम का 88 बेरियम का 137 थर्टी सेवन यहाँ भी देख सकते हो आप साइड के एलिमेंट का मीन निकाला तो 88.5 ये भी उसके आसपास है तो ये जो थ्योरी थी वो थी ड्रॉबनायर ट्राइड की अब उसके बाद आता है उसकी डिमेरिट्स ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन ऑफ़ डॉबेयरन थ्योरी ऑफ ट्राइड क्यों फेल हो गया वो? वो इस तरह थी कि डॉबराइनर जो था कोडेंट फाइंड कुड फाइंड ओनली थ्री ट्राइड उसने सिर्फ तीन ही ट्राइड स्टडी किए यानी कि उसने सिर्फ टोटल नाइन एलिमेंट्स को स्टडी कर पाया था अपने इस रूल पे बाकी के लिए कोई रूल नहीं था उसके पास हाउ एवर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर मोर देन दैट ऑफ दोज एंड कम्पास इन डॉबराइन ट्राइड जबकि जो उसने डॉबराइनर ट्राइड स्टडी किया उसके अलावा और भी तो काफ़ी सारे एलिमेंट थे दस डोबराइनर शुड नॉट बी क्लासीफाई मोस्ट ऑफ़ द एलिमेंट्स नॉन एट दैट टाइम इसलिए जो डोबराइनर था उस टाइम जितने भी और भी तो काफ़ी सारे एलिमेंट प्रेजेंट थे उनको अच्छी तरह से वो क्लासीफाई नहीं कर पाया उसके बाद आया दूसरा न्यू लैंडस लॉ ऑफ ऑक्टिव ठीक है लॉ ऑफ ऑक्टिव इन केमिस्ट्री द जर्नलाइजेशन मेड बाय द इंग्लिश केमिस्ट जे ए आर न्यूलैंड था जिसने एटीन सिक्सटी फाइव में अपनी ये लॉज uh, था जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव उसको दिया था उसने बोला इफ़ द केमिकल एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट अगर हम केमिकल एलिमेंट्स को उनकी इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करते हैं तो दोज विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वो एलिमेंट जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं एक जैसी हैं अकर आफ्टर ईच इंटरवल ऑफ सेवन एलिमेंट मतलब सात एलिमेंट जब आप स्टडी कर लोगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी और फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होंगी सेम होगी जैसे म्यूजिक नॉट में होता है सात सुर होते हैं उसी हिसाब से तो यहाँ कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं टेबल में देख सकते हो आप एलिमेंट है और उसके नीचे अटामिक वेट है यह है लीथियम ब्रीलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन फिर उसके बाद सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरिन एंड देन पोटाशियम फिर कैल्शियम अब यहाँ आप देख सकते हो वैसे तो एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन से स्टार्ट होने चाहिए बट हम अगर एन के अकॉर्डिंग चलें तो एन ने यहाँ लीथियम के अगर से स्टार्ट किया है तो हम भी हमें क्योंकि एन को फॉलो करना पड़ेगा तो हम लिथियम से शुरू कर रहे हैं आप यहाँ देख सकते हो कि जब न्यूलैंड ऑफ ऑक्टिव आया उस टाइम नॉवल गैसेज डिस्कवर नहीं हुई थी तो इसलिए नॉवल गैसेज यहाँ नहीं हैं वो बाद में डिस्कवर हुई थी तो यहाँ आप देख सकते हो जो लिथियम है और सोडियम उनकी प्रॉपर्टी सेम है इसलिए उनको एक ही उसमें सिमिलर ग्रुप में रखा ब्रिलियम और मैग्नीशियम की सेम थी बोरॉन और एल्युमिनियम की सेम थी कार्बन सिलिकॉन की सेम थी नाइट्रोजन फॉस्फोरस की सेम थी ऑक्सीजन सल्फर की सेम थी और फ्लोरिन क्लोरीन की सेम थी इसलिए इसको तो इस तरह से अरेंज किया गया था उसके बाद इसकी भी लिमिटेशन डिमेरिट्स और ड्रॉबैक्स भी बोल सकते हो ये भी कुछ केसेस थे जहाँ ये फेल होगी थ्योरी क्यों हुआ लोअेल ये फर्स्ट तो ये था कि न्यूलैंड ने एज्यूम किया कि ओनली फिफ्टी सिक्स एलिमेंट्स जो हैं मतलब सिर्फ फिफ्टी सिक्स ही एलिमेंट जो नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं और उसने बोला कि फ्यूचर में कोई भी नया एलिमेंट नहीं आने वाला है बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स बट इसका आपको पता है उसके बाद काफ़ी सारे एलिमेंट्स बने हुज़ प्रॉपर्टीज कोडेंट बी फाइंड एज पर द लॉ ऑफ क्योंकि लॉ ऑफ ऑक्टेव तो फिफ्टी सिक्स एलिमेंट तक ही बोल रहा था तो वो उसे डिफाइन नहीं कर पाया सेकेंड ये था कि इट वॉज़ फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टिज वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम जो लॉ ऑफ ऑक्टेव आप देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल जो था वो कैल्शियम तक ही था आफ्टर कैल्शियम जो था उस एवरी एर्थ एलिमेंट डिडेंट प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट उसके बाद हर एर्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की तरह नहीं थी ठीक है एक तो ये ड्रॉबैक रही फिर so, तीसरी ये थी कि इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इन टू लॉ ऑफ ऑक्टिज न्यू लैंडस नॉट ओनली एडजस्टेड टू एलिमेंट्स इन द सेम स्लेट स्लॉट मतलब एलिमेंट्स को फिट करना था तो उस न्यू लैंड ने दो दो एलिमेंट जो एक ही स्लॉट में डाल दिए बट ऑल्सो एडजस्टेड सम अनलाइक जो एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टी उनके साथ मैच ही नहीं करती थी उनको भी उसने सेम स्लॉट में डाल दिया फोरथ था कि आयरन प्रोसेसिंग सिमिलर प्रॉपर्टीज एज एंड निकल आयरन जो था उसकी प्रॉपर्टी और निकल की तरह थी पर उसे क्या किया उसने काफ़ी दूर प्लेस कर दिया उन एलिमेंट के साथ रखा ही नहीं न्यू लैंड लॉ ऑफ ऑक्टेज कैन बी ओवर वेल बाय लाइटर एलिमेंट सिर्फ लाइटर जो एलिमेंट्स है वो ही इसको ओवर कर पाए जो हैवियर एलिमेंट्स हैं उसके लिए ये जो लॉ था वो फेल हो गया था तो इसके बाद क्या हुआ इसके बाद आया लोथर मेयर्स थ्योरी लोथर मेयर्स थ्योरी मेयर्स इज बेस्ट नॉन फॉर हिज पार्ट इन द प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जैसे आपने नाम सुना होगा द मेथरी मैन का उसी तरह से लोथर मेयर भी एक साइंटिस्ट था जिसने उसी टाइम सेम ही टाइम पर ये सब दोनों डिस्कवरी आज साथ में चल रही थी बस डिफरेंस ये था कि जो लोथर मेयर था उसने से ग्राफिकली स्टडी किया था एलिमेंट्स को और उसने जो दमित्री मैंडलिव था उसने टेबल के अकॉर्डिंग टू तो टॉपिक स्टडी किया था और जो प्रपोज की थी थ्योरी पहले मैंड दमित्री मैंडिव ने दे दी थी, थी जिसकी वजह से उसको कंसिडर कर लिया गया हालांकि उसी टाइम पर यह भी उसने साथ में चल रही थी प्रोसेस तो उसने क्या किया ही नोटेड दैट इफ़ ईच एलिमेंट इज अरेज इन द ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स अगर हर एलिमेंट जो उनको एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करते हैं दे फॉल इन टू ग्रुप्स ऑफ सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी रिपीटिड एटिक इंटरवल इसमें भी यह था कि एक पीरियड फिक्स पीरियड है जिसके बाद जो एलिमेंट्स आएंगे उनको किस तरह से रखा जाएगा जिनकी सिमिलर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी उसके हिसाब से उनको अरेंज किया जाएगा उसके बाद आया मेन द मित्री मैंड लिव क्लासीफिकेशन जिसे हम फादर टेबल भी बोलते हैं हालांकि हम उसको फॉलो नहीं करते हम मॉडर्न प्रोडिक टेबल के ऊपर जाते हैं उसी के हिसाब से स्टडी करते हैं क्योंकि वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है ना तो द मित्री मैंडिव क्लासीफिकेशन क्या थी उसने बोला द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट की उनको पीरियड में किस तरह से अरेंज किया जाता है उनके पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स ठीक है उनके अटोमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया जाता है मैंडलीव अरेंज एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम ऑफ अ टेबल मैंडलीव ने क्या किया इन एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में एक टेबल की फॉर्म में इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स के हिसाब से अरेंज कर दिया इन सच ए दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको उसने रखा सेम वर्टिकल कॉलम में और सेम ग्रुप में आप देख सकते हो इसका टेबल 1869 में नाइन का प्रोडक्ट टेबल आया था इस तरह की कुछ अरेंजमेंट थी इसमें आप वेकेंट स्पेस भी देख सकते हो उसने कुछ एक वेकेंट स्पेस भी छोड़ दिए थे क्योंकि उसका मानना था कि जो फ्यूचर में अगर एलिमेंट्स आएंगे और जिनकी प्रॉपर्टी इन ग्रुप के साथ मिलती होंगी उन्हें वेकेंट स्पेस में फिल कर दिया जाएगा और जो बेकेंट स्पेस पे फिल किया जाएगा तो जो नया एलिमेंट है उसके साथ जैसे एल्यूमिनियम के साथ नीचे खाली है तो उसको एक का एल्यूमिनियम का नाम दिया जाएगा सिली कॉन के तो एक का कौन लिख दिया जाएगा तो इस तरह से उसने वेकेंट स्पेस छोड़े थे और जिन नए एलिमेंट आने वाले थे जिनकी प्रॉपर्टी इनके साथ मैच करती थी तो उनको किस तरह से नाम दिया जाएगा वो भी उसने बता दिया था उसके बाद आया एडवांटेजेस ऑफ दमित्री मैंडीव क्लासिफिकेशन उसके एडवांटेज क्या थे उसने क्या किया ही क्लासीफाइड ऑल अ नॉन सिक्सटी थ्री एलिमेंट्स एट दैट टाइम उस टाइम पर सिक्सटी थ्री एलिमेंट्स नॉन थे और उनको उसने क्लासीफाई कर दिया ही लेफ्ट गैप्स फॉर एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड लेटर ऑन उसने क्या किया जो बाद में फ्यूचर में आने वाले एलिमेंट्स हैं उनके लिए खाली स्पेस छोड़ दिया जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक का एल्यूमिनियम गैलियम के लिए लिखा था गैलियम बाद में डिस्कवर हुआ उसको क्योंकि एलुमिनियम के साथ उसकी प्रॉपर्टी मैच करती थी इसलिए उसने एक का एल्यूमिनियम दे दिया जर्मेनियम बाद में आया जिसका सिलिकॉन के साथ प्रॉपर्टी मैच करती थी इसलिए उसको ईक्का सिलिकॉन का नाम दिया अच्छा ही प्रोडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ दीज अन एलिमेंट उसने जो एलिमेंट फ्यूचर में आने वाले थे उनको पहले ही उनकी प्रॉपर्टी को स्टडी कर लिए थे इसलिए उसके लिए वेकेंट स्पेस छोड़ रखे थे तो ये सारे क्या थे उसके एडवांटेजेस थे अब लिमिटेशंस भी थी मैनलीव क्लासिफिकेशन की क्यों फेल हो गया वो फर्स्ट ये थी कि ही कुड नॉट असाइन ए करेक्ट पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन हीज़ टेबल वो जो हाइड्रोजन है उसकी पोजिशन को करेक्टली डिफाइन नहीं कर पाया टेबल में एज अ प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन एक्जाम्पल बोथ विद अल्कली मेटल एज वेल एज विद हेलोजन क्योंकि आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसकी प्रॉपर्टी जो है फर्स्ट ग्रुप आपने देखा होगा अल्कली मेटल का उसके साथ भी मैच करती हैं और सेकेंड लास्ट लास्ट ग्रुप जो होता है फ्लोरिन क्लोरिन ब्रामिन का उसके साथ भी मैच कर जाती हैं जिसकी वजह से वो फिक्स पोजीशन नहीं दे पाया हाइड्रोजन को सेकेंड द आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट विल बी गिवन डिफरेंट पोजिशन अब एक एलिमेंट है अगर उसके तीन आइसोटोप हैं तो उसने उसने क्या किया वो आइसोटोप तो इकट्ठे आने चाहिए क्योंकि प्रॉपर्टी उनकी सेम होती हैं उनको उसने अलग अलग पोजिशन दे दी जिसकी वजह से क्या हुआ बिच विल डिस्टर्ब द स्मिट्री जो थी प्रोटी उनकी उससे डिस्टर्ब होगी थर्ड ये था एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन ए रेगुलर मैनर वहाँ जो उसने एलिमेंट अरेंज किए उनके जो एटॉमिक मास थे एक रेगुलर मैनर में नहीं थे इंक्रीज़ नहीं कर रहे थे इन गोइंग फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जब हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को स्टडी करें तो जो एटॉमिक मास के लिए एक ट्रेंड होना चाहिए इंक्रीजिंग वो फॉलो नहीं कर रहे थे तो आज के लेक्चर में हमने जो पढ़ा उसमें हमने जेनेसिस ऑफ और टेबल के बारे में देखा डेफिनेशन के बारे में पढ़ा टेबल की हमने यहाँ पढ़ा कि सबसे पहले कौन आया डॉबर ट्राइड आया उसने अपनी थ्योरी दी वो फेल होगी उसके बाद आया हमारा न्यू लैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव वो भी कुछ एक एलिमेंट्स तक थ्योरी चली फिर वो भी फेल होगी उसके बाद आया हमारा मैं जिसको फादर ऑफ प्रोडिकटेबल बोलते हैं वो भी कुछ हद हाँ तक ठीक रहा फिर उसने भी कुछ एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर पाया तो वो भी थ्योरी फेल होगी अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे मैं जो मैंडी उसके बाद आया था मॉडर्न प्रोडिक्टेबल मॉडर्न टेबल मॉडर्न प्रियोड लॉ क्या होता है पीरियडिसिटी क्या होती है फिर उसके अकॉर्डिंग जो हमारा मॉडर्न टेबल जिसे अभी हम अभी स्टडी करते हैं उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को बारी बारी से स्टडी करेंगे तो थैंक यू फॉर वॉचिंग